अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? मैं शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज मेरा कुछ ऐसा व्लॉग नहीं है कि बर्थडे व्लॉग है या डेली रूटीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं लोगों से एक सवाल करूंगा कि आपको अपनी लाइफ में किसी ने कुछ एडवाइस दिया हो, आपके बड़े छोटे बहन भाई माँ बाप दोस्त यार ने कुछ एडवाइस दिया हो और वो एडवाइस आपने अपनी लाइफ में यूज किए हो या उस पर अमल किए हो और आपको वो काम आई, तो वो क्या एडवाइस है? क्या पता वो एडवाइस आपके मेरे या किसी के काम आ जाए। तो अलग अलग लोग अलग अलग एडवाइस देंगे तो एक सबको एक अच्छी एडवाइस इंशाल्लाह मिल जाएगी और आपको जो एडवाइस अच्छी लगेगी वो आप जरूर उस पर अमल करना, क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए वो चीज से। तो आज मुझे जो जो टकराएगा मैं सबसे ये सवाल पूछूंगा, तो देखते हैं पहला कौन है, लेट्स गो। कैसे मामी आप? अच्छी हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ठीक है। आज आपसे एक सवाल करना है, ठीक है। एक कोई ऐसी एडवाइस दो जो आपके बड़े या छोटे या माँ बाप या किसी ने आपको दिया हो, आपने जिंदगी में यूज करे और आपको काम आई, तो वो लोगों तक आप पहुंचाओ, क्या पता किसी और को भी काम आ जाए। कोई एक अच्छी एडवाइस जिंदगी के रिलेटेड या कुछ भी अच्छी। जिंदगी ने तो बहुत कुछ सिखाया है, इतना सिखाया है कि उम्र से ज्यादा जिंदगी ने सिखा दिया मुझे, खासकर मुझे, क्योंकि जितनी एज नहीं है ना उससे ज्यादा मैं चीजें एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, तो मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे सोना ये सिखाए है कि मतलब जैसे कोई कुछ बोलता है तो एक कान से सुनना और एक कान से थ्रो कर देना, निकाल देना। ओके, मतलब कोई चीज दिल पे, मतलब दिल में नहीं लेना, दिमाग में रखना, निकाल देना। और कहीं भी मतलब जैसे शक्कर में चाय हो गई या कस्टर्ड में मीठा हो गया, इतना ही डालना शक्कर कि जितना हम खा सके। ज्यादा शक्कर भी डायबिटीज हो जाता है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है जिंदगी को लेकर, जिंदगी जीना सिखाया। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी। और आप लोग भी एडवाइस सुन लो, आपको भी कुछ काम आ जाए। जी चलो, शुक्रिया मामी, शुक्रिया। मैंने अपने बड़ों से यही सीखी हूँ, एक तो सब्र करना सीखो और एक बर्दाश्त करना सीखो, और तीसरी सबसे अच्छी बात है और वो ये है अपनी नफ्स पे काबू पाना, कंट्रोल। जिसने अपनी नफ्स पे काबू पा लिया यानी वो जीत गया। माशाल्लाह, यानी अपनी ख्वाहिशों को रोको, यानी कैसा ना, अपनी ख्वाहिशों को दबाओ। ऐसा नहीं हर चीज नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ऐसा बोलो, नहीं जाने दो। उसको कहते हैं अपनी नफ्स पे काबू। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मम्मी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मम्मी डैडी की याद है अभी तक तो एडवाइस थी। जैद की तो बहुत ऐसी एडवाइसेस जो दिया हुआ है भाईजान, जैद इन्होंने भी दिए है, अनम तक ने दिए है, बट मेन एडवाइस जो माइंड में बचपन से अब तक बैठी हुई है, तो मम्मी ने ये एडवाइस दी थी कि मतलब कुछ भी लाइफ में अचीव करो, जो भी आपको पाना है या कुछ भी है, लेकिन किसी का भी दिल दुखा कर मत करना। मतलब ऐसा होता है ना, किसी को धोखा देकर या कुछ भी करके वो नहीं करना, और अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरना। और डैडी ने एडवाइस दी थी कि अपना दिल हमेशा साफ रखो, मतलब जो भी करो साफ मन से करो, और अपने सही के लिए हमेशा खड़े रहना और अपने घर वालों को साथ लेकर चलना। माशाल्लाह, ये मैंने दो चीजें फॉलो करने की कोशिश की, अमल शायद इंशाल्लाह। वो तो सब बाकियों से पूछो, मैं अपनी तारीफ क्या। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एडवाइस थी और भी बहुत थी, बट ये मेन थी। ओके, शुक्रिया नानी। कुछ एक ऐसी एडवाइस दो जो आपको आपकी जिंदगी में कोई बड़े या छोटे ने या माँ बाप ने या किसी ने भी आपको वो एडवाइस दिया हो और आपको जिंदगी में काम आई, तो वो लोगों को भी अपन बताते हैं, क्या पता किसी और के भी काम आ जाए। दीन का काम कर रहे हमारे माँ बाप, ये दीन की खिदमत करो, दीन की तरफ रहो, क्योंकि ये दुनिया तो टेम्पररी है। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दुनिया तो टेम्पररी है, आखिरत हमेशा की रहेगी, तो उसकी तैयारी करो। ओके, सो नानी का कहना है दीन की तरफ ज्यादा रहो, दुनिया की तरफ कम। बहुत अच्छी एडवाइस है नानी, शुक्रिया। मेरी मम्मी ने मुझे सब्र करना बहुत सिखाया है। माशाल्लाह, उन्होंने बोला है कि अगर कुछ हो तो उसका ऑन द स्पॉट रिवेंज या बदला मत लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। बोलते हैं ना, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। क्या बात है, बोलते रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यस अनम, आई नो, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सब्र, बोला सब्र करो, इन अल्लाह मा साबर। ओहो, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। चलो शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे एक एडवाइस दिया था, एक्चुअली बहुत सारी एडवाइस दिए लोगों ने। एक जो तुम्हारे जहन में होगी पहले से है कि
एडवाइस नहीं होगी वो, बट एक एक वो है कि अगर आप नो मैटर अगर आप आई मीन लोग आपके साथ अच्छे नहीं है या आपके बारे में बुराई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, आप तो भी उनके साथ अच्छे हैं। ओह माशाल्लाह, समझ गया मैं। हाँ, एक एक मतलब जिंदगी का रूल्स बना लो। एक ये है कि तुम वैसे मत बनो, अगर वो हाँ नहीं तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मतलब कोई बुरा कर भी रहा है तो उसके बाद अच्छा करो। और ये हमारे चलो शुक्रिया। अच्छी बात तो सबसे पहले ये है कि आज के जेनरेशन अगर देखा जाए तो आज के जेनरेशन लव करते, लव करना कोई बुरा नहीं है। ओके, बट मेरा ऐसा है मानना है कि लव करो, अगर उसमें आपको इसके आपके माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है राइट। और मतलब ऐसा ये मत सोचो कि नहीं, क्योंकि देखो तुम्हारे को पैदा करने वाले और पालने वाले वही है, वही है, वो कभी गलत अच्छा नहीं चाहेंगे। और अच्छा बुरा भी वही है, वो अगर हमारी लाइफ में कोई दूसरा आता है मतलब ये नहीं हमारी दुश्मन हो जाए राइट। मैं ये नहीं बोलूंगी, वो भी है आपके एक लाइफ का पार्ट का हिस्सा ये भी, बट ये हमारा कभी बुरा नहीं चाहिए ना वो चाहेंगे। बट मेरे ये बोलने का ये मतलब है कि अगर वो उनको लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है तो कुछ तो बात होगी। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप उसको छोड़ो, बट सोचो कि हमारे माँ बाप हमको क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये मेरी एडवाइस है। ओके, सो आपका ये कहना है कि माँ बाप का फरमा बरदार बनो, वो सोच रहे आपके लिए कुछ तो बेहतर ही सोच रहे होंगे, वो आपके दुश्मन नहीं होंगे, कुछ तो बेहतर आपके लिए सोचेंगे, कभी माँ बाप बुरा नहीं बुरा नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बान, अच्छा लगा। मेरी जिंदगी में एक ही एडवाइस है कि किसी से एडवाइस मत लो, अपना करो। सबसे बड़ी एडवाइस तो ये है कि मतलब ऐसा तो अल्लाह की तरफ से भी है और माँ बाप ने भी वही बताया कि पहले अपने माँ बाप को देखो उसके बाद जिसको देखना। माशाल्लाह, मतलब माँ बाप का ध्यान रखो उसके बाद फिर दुनिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब माँ बाप का ध्यान रखो, एक इनविजिबल गॉड है माँ बाप, ऊपर वाला ही आ जाता है, मतलब वो उनमें शामिल ऊपर वाला ही रहता है। अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। माशाल्लाह बहुत अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। जो मेरे माँ बाप ने सिखाए हैं मैं उसी के साथ आगे बढ़ूंगी। जैसे डैडी ने अक्सर मुझे बोले हैं कि हमेशा माँ बाप का सुनने का, हमेशा माँ बाप जैसा चाहते हैं, माँ बाप की खिदमत करो, उनका ख्याल रखो, मतलब वो हमेशा मुझे सिखाते हैं इनके भी अम्मी अब्बा के लिए अक्सर। तो मैं उस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, जब भी मैं डैडी के पास आऊंगी ना डैडी यही चीज़ बोलेंगे कि नहीं माँ बाप पहले, ससुर को लेके चलो, माँ बाप का ध्यान रखो। तो ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। हाँ, डैडी से। और डैडी ने ये भी बोले जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगे वैसा तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ रहेगी, और इसमें मेरा बहुत बिलीव है, ये सच बात है, ये तो बिल्कुल सच है। हाँ, डैडी हमेशा यही बोलते हैं जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगे वैसे ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। और लिटरली मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना तो बहुत इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और अपने जब बच्चे होते हैं उसके बाद और इस चीज का एहसास होने लगता है। और मम्मी की बस एक एडवाइस देना चाहूंगी, मम्मी हमेशा बोलते हैं कि है ना, मेरी मम्मी हमेशा दूसरों के काम आने में हमेशा आगे रहे हैं। मैंने ये चीज उनका पहले से देखी, चाहे वो उनके भाई बहन के लिए हो या पड़ोसियों के लिए हो या हमारे लिए हो, तो ये मुझे ना बहुत उनका अच्छा लगता है। वो हमेशा बोलते हैं नेकी करो और फल की चिंता मत करो। ओहो वेरी राइट, वो अल्लाह को देगा। मैंने हमेशा देखा हूँ कि उसकी मम्मी हमेशा एक पैर आगे करके हम लोग के लिए बहुत किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसे ही प्यार मोहब्बत रखे। ओके इमरान भाई, इट्स योर टर्न नाउ। एक्चुअली बहुत पहले ना मेरे को अपने जिंदगी में जैसे अभी सब हर एक के लिए पूरी दुनिया में लोगों के लिए अपने रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और बहुत सारे लोग यू नो इसी चीज में प्रॉपर्टी से लेके बहुत सारी चीजों से झगड़ा कर लेते हैं और वो रिश्ते टूट जाते हैं राइट। तो मेरे को बहुत पहले ना किसी ने बोला था कि ना रिश्ते हमेशा संभाल के रखना, आप कितना भी कमा लो कुछ भी कर लो सब आपके पास हर रहेगा, बहुत सही। अगर आपके पास रिश्ते नहीं रहेंगे तो वो खुशी कभी नहीं रहेगी। क्या बात है। तो किसी ने मेरे को बोला बोले जैसे आपके दोस्त हैं आपके रिलेटिव्स हैं तो इनको हमेशा साथ में लेके चलो। तो हमेशा मैं ऐसे रखता हूँ कि एक कान अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है किसी रिश्ते के बारे में, मतलब गीबत हो जाती है, मम्मी के बारे में कोई भी होती है, तो जो अच्छा पॉजिटिव है वो सुनो, बाद में लेट गो करो, क्योंकि वक्त है ना आपको ये स्ट्रांग बना देगा ये सब चीज झेलने के लिए। सही तो बात, अगर आप कोई चीज अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ा कम करके ये सोचोगे कि नहीं ईगो को हटा के ये छोड़ोगे कि हाँ चल जाने दो हो गया, तो उसमें रिश्ते आपके बच जाएंगे। क्या तो बात है। उसी वजह से ज्यादा होता है कि
ना हम प्रॉपर्टी के लिए झगड़े, कोई जो भी चीजें एमिकेबली मतलब उसको सॉल्व, रिश्तों को पहला रखो हर उसमें। बहुत अच्छा इमरान भाई, यस यस कुछ बोल रहे हैं। अमीर हो या गरीब हो मतलब टाइम आपको ड्यूरेशन में हर चीज सिखाएगा, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन जब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा तो आप खुश होंगे, पैसा नहीं भी रहेगा लेकिन रिलेटिव्स आपके रहेंगे, जैसे मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ये खुशी है। यस यस राइट इमरान भाई, बहुत अच्छी बात बोले आप दोनों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। जैद आपसे एक सवाल है, एक आपकी लाइफ की बेस्ट एडवाइस आपके कोई बड़े ने, माँ बाप ने, कोई छोटे ने आपको दिया होगा, वो आपको बहुत यूजफुल लगी लाइफ में, तो शेयर करना चाहोगे तो कैसा है, ऑडियंस में से किसी को अच्छी लगे, कोई यूज कर ले तो उसका भी कुछ अच्छा हो जाए। वैसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है। एक बेस्ट जो आपके जहन में हिट करी हुई है बचपन से अब तक। एक बहुत भारी वाली एक बहुत ही एक लाइन है जो मेरे डैड बोलते हैं जी, और बहुत ही मुझे पता नहीं क्यों बट उसमें ऐसे लगता है कि बहुत डीप बात है वो। बात ये है कि अपनी अपनी जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। क्या बात है। और इसको मैं अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो उसका मतलब ये है कि अगर आप फिलहाल अफोर्ड कर सकते हो एक साइकिल तो आप साइकिल ही अफोर्ड करो। ओके, किसी को दिखाने के लिए बाइक मत खरीदो। राइट एग्जैक्टली, ये मेरा एग्जांपल बस इसलिए था कि समझ आए ये चीज एग्जैक्टली समझ जाए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एडवाइस है माशाल्लाह, और आपके डैडी की बातें तो माशाल्लाह सच में बहुत काम आती है। मम्मी ने मुझे एक ऑफ कोर्स जो बहुत आई थिंक ये सबके लिए होगी कि मम्मी ने मुझे जब मोस्टली हम कभी भी डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस होना भी नहीं चाहिए, ये सोचते कि बहुत आवाज आ रही है बट मैं फिर भी बोलूंगा क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है। राइट, कि आप जब अपसेट होते हो आपको बुरा लगता है कोई चीज का और फिर आप सोचते हो कि मैं उससे रिवेंज कैसे लूं, या आप सोचते हो कि मेरे साथ कितना गलत हुआ, वो टाइम पे मम्मी ने एक चीज बताया कि कुछ भी नहीं सोचो, सिर्फ एक ही चीज करो। जैसे हमारे लिए जानमाज को लेकर नमाज पढ़नी होती है, ओहो माशाल्लाह, आपके लिए आपके जैसे आपके प्रेयर्स होते हैं आप वैसे करिए, बट 100% फेथ रखिए कि व्हाटएवर हैज हैपेंड टू यू हैज हैपेंड फॉर गुड एग्जैक्टली। तो मैं हिंदी में भी बोलूंगा, जो आपके साथ हुआ है कुछ अच्छा ही हुआ होगा, बस आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना। राइट, तो ये मेरी मम्मी ने बोला माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। आज तो सबने जबरदस्त एडवाइस दे दी, मुझे तो सबका सुन के मजा आया और मैंने सब यहाँ मेरे बिठा लिया हूँ, और मुझे भी बड़ों ने एडवाइस दिए है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे डैडी ने मुझे बचपन से समझाया है कि आप अपनी इनकम का जो भी आप कमाते हो उसका थोड़ा सा भी हिस्सा गरीबों में या जरूरतमंद में दोगे तो ये कभी नहीं सोचना कि अल्लाह आपकी इनकम कम कर देगा या आपकी कम हो रही है, बल्कि आप मिल बांट कर खाओगे गरीबों के या जरूरतमंद के साथ तो अल्लाह उसमें और खैरो बरकत देता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, मिल बांट के खाना, तो इंशाल्लाह और आपकी बरकत और खैरो बरकत बढ़ जाएगी आपकी। और मम्मी ने मुझे हमेशा बताया है कि ये कभी नहीं सोचना लाइफ में कि ये इंसान पैसे वाला है तो ये बड़ा इंसान हो गया, ये गरीब है बेचारा तो ये छोटा इंसान हो गया। इंसान का दिल बड़ा है तो वो इंसान बड़ा है, और इंसान का दिल छोटा है तो वो इंसान छोटा है। दो किस्म के आदमी होते हैं, एक बड़ा आदमी होता है और एक बड़ा इंसान होता है। बड़ा आदमी अपने लिए चीजें कर करके सब अपनी जरूरत है और अपने लिए कर करके बड़ा आदमी बनता है, और एक आदमी जो दूसरों के लिए करके दूसरों की जरूरत पूरी करके दूसरों के लिए हर चीज करके वो बड़ा इंसान बनता है। तो ये थी मेरी एडवाइस, और आपको किसकी एडवाइस सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और प्लीज फॉलो करिए, आपको जो भी अच्छा लगा हो उस पर अमल करिए, क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए उससे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।